गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं हलवाई जैसे आलू की सब्ज़ी। उसके लिए हमने दो लाल मिर्च ले लिया है, देखिए दालचीनी ले लिया है, इलायची छील के रख ली है, कलौंजी, मेथी, जीरा, काली मिर्च, ये सारा चीज़ हमने रख लिया है। कलौंजी यानी मंगरेल को कहते हैं। तेज पत्ता भी हमने ले लिया है, आप इसमें एक बड़ा इलायची भी ले सकते हो। हमने लवंग भी लिया है, इसी में रख दिया है, लवंग है इसके अंदर, ये दो लवंग भी लिया है हमने। उसके बाद अदरक थोड़ा सा कद्दूकस रख लिया है, दो मिनट। ये देखिए हमने तीन टमाटर ले लिया है। हमने थोड़ा सब्जी बनाया था हलवाई जैसे आलू की उबाल के, इसलिए हमने तीन टमाटर लिया है। अब इसको हम बारीक पीस लेंगे, आप मिक्सी की सहायता से पीस सकते हो या बारीक कद्दूकस कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जैसे सही लगे आप वैसे कर सकते हो। इसको सिर्फ इसका बारीक पीसा हुआ टमाटर चाहिए। ये देखिए, आप अगर ज़्यादा बना रहे हो तो आपको ज़्यादा टमाटर लेना है, क्योंकि इसमें टमाटर थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए, तभी ये आपकी हलवाई जैसे आलू की सब्ज़ी बनके रेडी होगी। बाद हमने रख दिया है कढ़ाई, हमारी गरम हो रही है, गरम हो गई है। अब इसमें हम सारे मसाले ऐड कर देंगे, उसके बाद इसको लो फ्लेम पे हम भूनेंगे। आप इसमें एक बड़ी इलायची भी ले सकते हो, हमारे पास वो है नहीं इसलिए हमने नहीं ऐड किया है। अभी लॉकडाउन है खुला, लेकिन कहाँ जाए लेने के लिए, इकट्ठे सारे सामान आ जाते हैं, इसलिए अब कोई सामान लेना होगा तो उसी के साथ आएगी इलायची, इसलिए आप इसको इग्नोर करिएगा। अब इसको हम थोड़ी देर लो फ्लेम पे भूनेंगे। ये देखिए इसमें हम ऑयल ऐड कर दिए हैं यानी तेल। अगर आपको देसी घी ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हो, हमने ऑयल ऐड किया है। ये भी हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा। ये देखिए हमने अदरक का पेस्ट जो बनाया था उसको ऐड कर दिया है, लाल मिर्च ऐड कर दिया है। ये देखिए हमने लाल मिर्च भी ऐड कर दिया था, अदरक भी ऐड कर दिया था तेल में, उसके बाद हमने हरी मिर्च दो ऐड कर दिया है। अब इसको हम एक दो मिनट, एक बार आग को हम सारे मसाले और शेयर कर देते हैं। हमने पहले सारे मसाले ले लिया था जो हमने तेज पत्ता वगैरह आपको दिखाया था, उसके बाद उसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन भून लिया, वो जो हमारा भूंज उठा तो उसी में हम ऑयल ऐड कर दिए, वो भी हमारा गरम हो गया। तो इसमें हम अदरक का पेस्ट जो रखे थे उसको ऐड कर दिए, उसके बाद हमने लाल मिर्च ऐड कर दिया, फिर उसके बाद हमने हरा मिर्च ऐड कर दिया, फिर उसके बाद हम टमाटर ऐड कर दिए इसमें। अब इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। फिर इसी में हम सारे मसाले ऐड कर देंगे अपना। आप अगर लाल मिर्च तीखा वाला लेना चाहते हो तो ले सकते हो, हमने नहीं लिया है, हम ऑलरेडी चार मिर्च ऐड कर चुके हैं। अब इसको भी हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह से लो फ्लेम पे। देखिए हमने सारे मसाले अच्छी तरह से भून लिए हैं। आपको इसको 5 मिनट तक लो फ्लेम पे भूनना है खूब अच्छी तरह से। देखिए
देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। आप इसको सेम ऐसे टिप में बनाओगे तो बहुत अच्छी आपकी हलवाई जैसी सब्जी बनेगी, क्योंकि मसाला भूनने में थोड़ा सा उसका और ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। ये देखिए अब इसमें हम आलू मिक्स कर दिए हैं। अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए अच्छे से हमारा आलू भून चुका है। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। देखिए सब्जी में हमने नमक भी ऐड कर दिया है, सब्जी उबल रही है। अब इसमें हम लहसुन का पेस्ट बना के रखे हैं, उसको भी ऐड बाद में ऐड करने से इसकी खुशबू अच्छी आती है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा, आप लोग बनाइएगा यानी आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसको पूड़ी पराठे आलू की सब्ज़ी के साथ, आलू की सब्जी के साथ पूड़ी पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। आप ये भंडारे जैसी सेम हमने बनाई है कोई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। कमेंट शेयर करना फैमिली दोस्तों के साथ। जो हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। इसमें हमने सारे कुछ ऐड कर दिए हैं, आपको पसंद है धनिया भी ऊपर से हरी ऐड कर सकते हो। अब इसको हम ढक देंगे, थोड़ा देर इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखिए सब्जी हमारी उबल रही है, अब इसको हम लो फ्लेम कर देंगे। ये देखिए सब्जी हमारी बनके रेडी है। आप लोग को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, सेम हलवाई जैसे बनी है। आपको इसमें 5-6 टमाटर लेना है तभी ये अच्छी टेस्टी बनती है। देख लीजिए सब्जी बनके हमारी रेडी है।